दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूँगा। तुम चैन हो, तुम ही दर्द हो, तुम हो मेरी जिंदगी। ये मेरा गाना रिलीज हो चुका है भाई साहब, यूट्यूब पर जाओ देख लो यार। दोस्तों, अक्की की फिल्म वेलकम 3 बन रही है तो आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है वेलकम टू जंगल। कुछ महीनों पहले मुंबई में ही इस फिल्म की 10-15 दिन की शूटिंग हुई थी और उसके बाद कहा जा रहा था कि इस फिल्म को कश्मीर में शूट किया जाएगा कम से कम 50 से 60 दिन कंटिन्यू। लेकिन अब खबर आई है कि इस फिल्म की शूटिंग 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मुंबई में ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस फिल्म के निर्माता है फिरोज नडियाडवाला साहब, शायद उनसे अरेंजमेंट हो नहीं सका इस फिल्म को कश्मीर में शूट करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि कई महीनों पहले 10-15 दिन की शूटिंग हुई थी मुंबई में, तो अगर अब फिर से 15 दिन की शूटिंग हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म कहीं भी अभी तक पहुंची नहीं है। अभी बहुत ज्यादा शूटिंग होना बाकी है, तब जाकर यह फिल्म कहीं कंप्लीट होगी। ये 15 दिन का सेकंड शेड्यूल कंप्लीट करने के लिए इस फिल्म का सेट लगाया गया है मुंबई के विले पार्ले में। और आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी है, कम से कम 35 से 40 एक्टर इस फिल्म में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इस फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद संजय दत्त ने इस फिल्म को छोड़ दिया और अब सुनने में आया है कि जैकी श्रॉफ ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अहमद खान, वो किस तरह से मैनेज करेंगे कि भाई 15 दिन की शूटिंग संजय दत्त ने की और चला गया, जैकी श्रॉफ ने शूटिंग की और चला गया, तो उनके रोल को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। हाँ, मानता हूं कि ये AI का जमाना है और किसी के भी चेहरे पर किसी का भी चेहरा लगाया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ऐसा करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा फिल्म पर। तो कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में ही इस फिल्म के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। अब पता नहीं इस फिल्म की शूटिंग कब कंप्लीट होगी और कब यह फिल्म रिलीज होगी। ये तो गारंटी है, कंफर्म है कि 2024 में यह फिल्म रिलीज नहीं होगी। इसी फ्राइडे को निर्माता निर्देशक करण जौहर की फिल्म रिलीज हुई थी बैड न्यूज़, जिसके हीरो हैं मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई और हीरोइन है बांटने वाली तृप्ति डिमरी। अरे यार, क्या है भाई, गंदा दिमाग, गंदी सोच। अरे भाई साहब, वो बेचारी सबको मिठाई बांटती है, आप समझते क्यों नहीं हो? कितनी बार बता चुका हूं, क्यों ऐसा गलत गलत सोचते हो यार। तो इस फिल्म ने वीकेंड में बिजनेस किया था तकरीबन 30 crore प्लस का और मंडे को भी इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया 3.75 crore का। अब इस फिल्म को प्रमोशन के साथ दिखाया जा रहा है, यानी कि एक टिकट खरीदिए, दूसरा टिकट फ्री। दोस्तों, अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है खेल खेल में और ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। और आज अक्की ने इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया है जो बहुत बढ़िया पोस्टर है। मुझे ये पोस्टर इसलिए अच्छा लगा कि इस पे बहुत सारे चेहरे हैं। अक्षय कुमार है, फरदीन खान है, एमी विर्क है, तापसी पन्नू है, वानी कपूर है, वगैरह वगैरह। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मुदस्सर भाई, जो एक कॉमेडी फिल्म बनाना जानते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मुदस्सर अजीज के कान बहुत अच्छे हैं म्यूजिक के लिए, यही वजह है कि उसकी हर फिल्म में अच्छे गाने होते हैं, तो इस फिल्म में भी बढ़िया गाने होने ही होने हैं, पक्का है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के पोस्टर को देखने से ही पता चल रहा है कि ये फिल्म चलने वाली है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म 15 अगस्त पर रिलीज हो रही है और 15 अगस्त पर टोटल 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं, एक खेल खेल में, दूसरी श्रद्धा कपूर की स्त्री और तीसरी अदरक अब्राहम की वेदा, जो एक साउथ फिल्म की रीमेक है, तो उसका डिसास्टर होना पक्का ही है। और चौथी एक तेलुगु फिल्म है जिसका नाम है डबल स्मार्ट, जो हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है। और इसको हिंदी में सिर्फ इसलिए रिलीज किया जा रहा है क्योंकि इसमें संजय दत्त है, जो इस फिल्म के निर्माता है। शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि हिंदी बेल्ट में बहुत ज्यादा दर्शक है संजय दत्त साहब के, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली आज की तारीख में संजय दत्त साहब की फैन फॉलोइंग बिल्कुल जीरो है। आज की तारीख में संजू के लिए कोई भी किसी फिल्म को थिएटर में देखने नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म डबल स्मार्ट का भी डिसास्टर होना तय है। तो कहने का मतलब यह है कि जो असली कॉम्पिटिशन होगा वो इन्हीं दो फिल्मों के बीच में होगा, स्त्री और खेल खेल में। आप में से बहुत लोग सांपों का जहर बेचने वाले सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश यादव उर्फ विश यादव को जानते ही हैं। ये रियल क्रिमिनल तो है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन ये अपने आप को बहुत बड़ा भाई भी दिखाता है कि मैं बहुत पावरफुल हूं, किसी से नहीं डरता। और आप लोग एजाज खान को भी जानते हैं,
जिसने गाली गलौज करने वाले कैरिमिनाती से माफी मंगवाई थी, और माफी मंगवाने के बाद एजाज ने यह कहा था कि जो यूट्यूबर भी मुझे रोस्ट करेगा वो जहां भी मुझे मिलेगा मैं उससे इसी तरह माफी मंगवाऊंगा। ये उसका हक है कहने का, बात खत्म। एजाज खान के इस वीडियो के बाद विश यादव और उसके कुछ दोस्तों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए और कहा कि एजाज तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद एल्विश ने एक वीडियो बनाया और कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ इस वक्त मुंबई में हूं, मैरियट होटल में मिलने के लिए तैयार हूं एजाज से, एजाज को बोलो कि यहां आ जाए। इस वाली वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूं, एजाज भाई की नगरी में। उन्होंने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारी से सॉरी बुलवाएंगे, और गैल राव साहब भी खड़े हैं। और थोड़ा इंसान के बच्चे की तरह रहो, जो मुंह बाहर निकला है ना उसको ज्यादा इतना मत चिल्लाओ कि पूरे अंदर जाओ। जैसे ही ये वीडियो रिलीज हुआ एजाज ने देखा वो मैरियट पहुंच गया, बात खत्म। लेकिन विश यादव को अच्छी तरह पता था कि अगर मैं मैरियट होटल में गया एजाज खान से मिला तो पिटना पक्का है, गारंटी है। और यही वजह है कि विश यादव होटल मैरियट में नहीं पहुंचा, एजाज वहां इंतजार करता रहा। इसके बाद होटल से ही एजाज ने एक वीडियो बनाया और इनको खूब गालियां दी, खूब माँ बहन की गालियां दी। देखो मैरियट में हूँ, अभी तक इंतजार किया इन लोग का, मैं 12:15 हो गए कोई भी दिखा नहीं इधर। उसके बाद भी ये लोग वहां नहीं पहुंचे और इन्होंने कोई रिप्लाई भी अभी तक नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि एजाज खान ने एल्विश यादव की पूरी हेकड़ी निकाल दी, कुत्ता बना दिया है एकदम। अब अगर विश यादव में इतनी सी भी शर्म है, इतनी सी भी, तो उसको जाना चाहिए मुंबई और एजाज खान को मिलना चाहिए और एजाज खान को दिखाना चाहिए कि वो किसी से नहीं डरता। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये बिल्कुल क्लियर है कि तू एजाज खान से डरता है, तेरी फटती है। और आज के बाद कभी भी कोई वीडियो मत बनाना, किसी को ये मत कहना कि तू बहुत बड़ा शेर है, क्योंकि ये तो मैं मानता हूं कि तू पक्का क्रिमिनल तो है, गमला चोर तो है, सांपों का जहर बेचने वाला तो है, लेकिन तू एक नंबर का लुक्खा है, एक नंबर का फट्टू है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डबल ढोल की रणवीर सिंह पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, उसकी पिछली 4-5 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। ऐलान हुआ, खबर आई कि SLB डबल ढोलकी के साथ एक फिल्म बना रहा है, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं, शुरू ही नहीं हुई। फिर खबर आई कि फरहान अख्तर ने डबल ढोलकी को डॉन 3 में ले लिया है, उसका टीजर भी रिलीज हुआ, वो फिल्म भी शुरू नहीं हुई, वो फिल्म भी बंद हो गई। फिर खबर आई कि साउथ के एक नंबर के घटिया डायरेक्टर शंकर ने इसको अपनी फिल्म में लिया है, वो फिल्म भी शुरू नहीं हुई। फिर खबर आई कि इसने एक तेलुगु फिल्म साइन की है, लेकिन वो फिल्म भी शुरू नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि पिछले 2 साल से रणवीर सिंह दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन कोई भी इसके साथ फिल्म करने के लिए तैयार ही नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी उरी, जो बहुत बड़ी हिट थी, उसका डायरेक्टर था आदित्य धर, और तब से लेकर आज तक वो बेचारा भी सारे एक्टरों के पीछे घूम रहा है कि भाई मेरी कोई फिल्म कर लो, कोई भी उसकी फिल्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक कहावत है कि कोढ़ी को कोढ़ी 80 कोस पर भी ढूंढ ही लेता है। तो अब ये दोनों एक फिल्म शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है धुरंधर। 25 जुलाई से इस फिल्म की शूटिंग थाईलैंड में चालू हो जाएगी, और जो इसकी कहानी है वो बेस है रॉ पर। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि रॉ वालों को अपना नाम यूज करने के लिए फिल्म वालों से पैसे लेने चाहिए, क्योंकि फ्री में उनका नाम यूज करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वार की कहानी भी रॉ पर आधारित थी, आप सभी जानते हैं कि पठान की कहानी भी रॉ पर आधारित थी, आप सभी जानते हैं कि मंकी एक्टर विद्युत जामवाल की सुपर डुपर डिसास्टर फिल्म क्रैक की कहानी भी यही थी। और विद्युत इस फिल्म से पहले भी कई फिल्में कर चुका है जिनकी कहानी रॉ पर आधारित थी। और मैं आपको बता दूं कि अदरक अब्राहम भी अब तक तकरीबन 10 फिल्में कर चुका है जिनकी कहानी रॉ पर ही आधारित है, और जो YRF की फिल्म आलिया भट्ट कर रही है उसकी कहानी भी रॉ पर ही आधारित है। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी कहानी है जिस पर कम से कम 40-50 फिल्में बन चुकी है, लोग देख चुके हैं और लोग पक चुके हैं ये कहानी देख देख कर। तो मेरे ख्याल में ये फिल्म इन दोनों के ही लिए खुदकुशी है, लेकिन बेचारे करे भी क्या, दोनों के पास कोई और फिल्म है नहीं, तो इसके अलावा और करेंगे तो क्या करेंगे। तो मैं एडवांस में ही इन दोनों को इस सुपर डुपर डिसास्टर फिल्म के लिए बधाई देता हूं। दोस्तों वैसे तो 2024 में बॉलीवुड का धंधा बहुत कमजोर रहा है, उसकी वजह यह है कि बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हो रही है, और दिसंबर पूरा खाली पड़ा हुआ है, जबकि हमेशा दिसंबर में बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुआ करती हैं। पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी, नहीं रिलीज हो रही है। वेलकम 3 रिलीज होने वाली थी, नहीं हो रही है। तेलुगु फिल्मों के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है दिलराजू, और उन्होंने एक बहुत बड़ी तेलुगु फिल्म बनाई है जिसका नाम है गेम चेंजर।
इस फिल्म के हीरो है रामचरण और हीरोइन है कियारा एडवाणी। तो अब निर्माता दिलराजू ने यह ऐलान कर दिया है कि वो इस फिल्म को हिंदी में डब करके दिसंबर में रिलीज करेंगे, यानी कि क्रिसमस पर रिलीज करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिलराजू साहब ऐसा मान रहे हैं कि भाई कियारा एडवाणी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, तो जो हिंदी दर्शक है वो अपना घर बार दुकान मकान बेचकर कियारा के लिए इस फिल्म को देखने जाएंगे। लेकिन मुझे 100% डाउट है कि कोई भी इस फिल्म को देखने जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म का डिजास्टर होना हिंदी में तय है। आप सभी जानते हैं कि आमिर खान ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल दिया है, वो काफी फिल्में बना रहे हैं और जियो उनको भर भर के पैसा दे रहा है। आमिर खान प्रोडक्शन में एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस, और इस फिल्म में गैंगस्टर की भूमिका निभाने के लिए मोना सिंह को साइन कर लिया गया है, वही मोना सिंह जो आमिर खान के साथ इससे पहले भी कई फिल्में कर चुकी है। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने वाणी कपूर के साथ एक फिल्म साइन कर ली है जिसकी शूटिंग लंदन में होने वाली है और जो बॉलीवुड की फिल्म है यानी कि इंडिया में रिलीज होगी। जब एक इंटरव्यू के दौरान फवाद खान से पूछा गया तो फवाद ने कहा कि देखो भाई, बातें बहुत होती रहती है, कभी कोई बात निकलती है कभी कोई बात निकलती है, हकीकत यह है कि सिर्फ बातें हो रही है, मैंने अभी तक ऑफिशियली कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। और फवाद के इस बयान से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि फवाद ने कोई फिल्म साइन नहीं की, बल्कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उन्होंने ये झूठी खबर फैलाई थी मार्केट में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक वक्त वो भी था जब रणबीर कपूर और दीपिका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दीपिका ने अपनी गर्दन पर रणबीर कपूर के नाम का टैटू बनवाया था, दोनों साथ में रहा करते थे, फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। और दीपिका से पहले रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी सोनम कपूर। जब कुछ दिनों के बाद करण जौहर के शो पर सोनम और दीपिका साथ में गई तो करण जौहर ने इस बारे में पूछा और उस वक्त दीपिका और सोनम ने रणबीर कपूर की खूब धज्जियां उड़ाई, उसका खूब मजाक बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको कोई गिफ्ट देनी होगी रणबीर कपूर को तो वो कॉन्डम ही देंगी और कुछ नहीं देंगी। उसके बाद कैट और रणबीर एक साथ रहने लगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और कुछ दिनों के बाद कैट और रणबीर का भी ब्रेकअप हो गया। उसके बाद भी रणबीर कपूर को ही क्रिटिसाइज किया गया, कहा गया कि भाई रणबीर कपूर तो है ही ऐसा, फ्लर्ट है, सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, किसी के भी साथ रहने लगता है फिर ब्रेकअप कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि रणबीर कपूर को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। अब रणबीर कपूर ने अपने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा है कि जब यह सब हुआ था उस वक्त वो बॉलीवुड वालों की बातें सुनकर और मीडिया की बातें सुनकर डिप्रेशन में चला गया था, उसको भी थेरेपी लेनी पड़ी थी। रणबीर ने कहा कि मैं मानता हूं उन लड़कियों को बुरा लगा होगा जिनसे मेरा ब्रेकअप हुआ था, शायद वो डिप्रेशन में भी गई होंगी, लेकिन मैंने भी कम सफर नहीं किया, मैं भी डिप्रेशन में गया था। तो एक्चुअली रणबीर का कहना यह है कि भाई उसके पास भी दिल है, उसको भी प्यार होता है और अगर उसका किसी के साथ ब्रेकअप होता है तो उसको भी बुरा लगता है। देखो रणबीर भाई, आप भले ही कुछ भी कहो लेकिन हकीकत बात यह है कि भले ही आप डिप्रेशन में गए हो, क्या घंटा फर्क पड़ता है भाईजान, लेकिन भाई जो मजे आपने किए ना कसम से बहुत कम लोगों ने किए बॉलीवुड में, तो आप मानोगे भाई साहब। कसम रावण की काल की एक ऐसी फिल्म है कि जिसके निर्माता लीगल चक्करों में फंस गए हैं। काल की के बनाने वालों ने उन क्रिटिक्स को लीगल नोटिस भेजा था जिन्होंने इस फिल्म के बिजनेस को फेक बताया था, और अब आचार्य प्रमोद जी ने कालकी के बनाने वालों को लीगल नोटिस भेज दिया है। उनका यह कहना है कि इस फिल्म में हिंदुओं के बारे में गलत दिखाया गया है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। फिल्म मैंने भी देखी है, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं था, लेकिन अगर आचार्य प्रमोद साहब कुछ कह रहे हैं तो उनको कुछ ऐसा लगा होगा, कुछ उन्होंने ऐसा देखा होगा। लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि ऐसे लीगल नोटिस से कुछ नहीं होने वाला, इससे फिल्म की और ज्यादा पब्लिसिटी हो रही है, बात खत्म। और निर्माताओं को और क्या चाहिए, यही तो चाहिए, पब्लिसिटी। कसम मोदी जी की गारंटी की सुष्मिता सेन ने एक कमाल का बयान दिया है, मतलब मौज कर दिए भाई साहब सुष्मिता ने। सुष्मिता ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं पिछले 2 साल से अकेली हूं, मेरी जिंदगी में कोई भी मर्द नहीं है, मैं सिंगल हूं। अरे मैडम जी क्यों मजाक कर रही हो, मतलब मजाक आप करो, मजाक में कोई दिक्कत नहीं है मैडम, लेकिन इतना बड़ा मजाक, मजाक की भी एक सीमा होनी चाहिए। मैडम जी आप तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानती हो, आप वो हो जो डेली शाम को अगर बोतल ना खोले तो काम नहीं चलता, आप वो हो जो डेली किसी लड़के के साथ मौज मस्ती ना करे तो जिसको नींद नहीं आती, आप वो हो जिसको शौक है यंग लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाने का,
तो मैडम जी ये मजाक नहीं है, बहुत बड़ा मजाक है। अगर आप ये कह रही हो कि आप तो 2 साल से बिल्कुल अकेली हो, सिंगल हो, आपकी जिंदगी में कोई मर्द ही नहीं है, ऐसा मजाक ना करो। देखो ये हमें हमारी बर्दाश्त के बाहर है आपका ये मजाक, बात को समझो आप। दोस्तों खबर आई है कि पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उनका कोई बिजनेस पार्टनर है जिसने उन पर केस किया हुआ था दुबई में। यह पॉसिबल है क्योंकि राहत फतेह अली खान साहब पाकिस्तान में रहते हैं और जो उनका बिजनेस पार्टनर है वो दुबई में रहता है, तो जाहिर सी बात है वो दुबई में कोई भी केस उन पर डाल सकता है। और जाहिर सी बात है अगर राहत साहब के खिलाफ कोई केस दुबई में फाइल हुआ है तो वो जैसे ही एयरपोर्ट पर आए होंगे उनको हिरासत में लिया गया होगा, एक्चुअली अरेस्ट नहीं किया गया होगा क्योंकि ये सिविल केस है, इसमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो राहत साहब को पुलिस थाने लाया गया होगा, वहां पर उन्होंने कुछ जमानत दी होगी और उनको छोड़ दिया गया होगा, बात खत्म। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग गोविंदा के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, गोविंदा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पुराने जमाने के एक निर्माता निर्देशक है मेहुल कुमार साहब, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी राजकुमार साहब के साथ और गोविंदा के साथ। तो अब उन्होंने गोविंदा के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा सुनाया है। बॉलीवुड भी जानता है, मीडिया भी जानता है कि राजकुमार साहब किसी की भी बेइज्जती कर देते थे, वो किसी की नहीं सुनते थे। एक्चुअली राजकुमार साहब पहले मुंबई पुलिस में हुआ करते थे और रिजाइन करने के बाद वो हीरो बने थे, तो जाहिर सी बात है उनका अपना अलग ही जलवा था। तो एक दिन मेहुल कुमार अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे गोविंदा और राजकुमार साहब के साथ। गोविंदा उस दिन कोई शर्ट पहनकर आया शूटिंग पर और जब राजकुमार ने उसको देखा तो गोविंदा की शर्ट की बहुत तारीफ की, भाई ये शर्ट बहुत बढ़िया लग रही है, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, ये है तो वो है। राजकुमार साहब के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गोविंदा गदगद हो गया। गोविंदा ने कहा कि भाई आज तो जिंदगी बन गई। गोविंदा ने फौरन ही वो शर्ट निकाली और राजकुमार साहब को गिफ्ट कर दी कि ये लीजिए सर, ये शर्ट आपके लिए। गोविंदा को बेचारे को लगा होगा कि भाई राजकुमार साहब ने मेरी तारीफ की, उनको शर्ट अच्छी लगी, मैंने उनको वो शर्ट दे दी, तो राजकुमार साहब तो बहुत खुश हो गए होंगे। लेकिन जब राजकुमार साहब अगले दिन शूटिंग पर आए तो पता चला कि उन्होंने गोविंदा की उस शर्ट को फाड़कर कुछ रुमाल बना लिए हैं और उन रुमालों से अपने हाथ साफ कर रहे थे, नाक साफ कर रहे थे, चेहरा साफ कर रहे थे। तो शूटिंग पर जितने लोग भी थे उनको ये पता चल गया था कि राजकुमार साहब को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि गोविंदा ने उनको अपनी शर्ट गिफ्ट की थी। यानी कि एक तरह से राजकुमार साहब ने बिना कुछ कहे गोविंदा को बताया था कि भाई साहब तेरी ये औकात है, तू कौन होता है बे मुझे शर्ट गिफ्ट करने वाला, तेरी औकात क्या है मुझे शर्ट गिफ्ट करने की। औरतों की कांतिलाल शाह सेक्स फिल्म बनाने वाली एकता कपूर को आप सभी जानते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वो फिल्में भी बनाती है, सीरियल्स भी बनाती है, वेब सीरीज भी बनाती है, सभी कुछ बनाती है। एक एक्टर है पंकज भाटिया, उसने तकरीबन 1 साल पहले एकता के एक सीरियल ये है मोहब्बतें में काम किया था और वो सीरियल चला नहीं था, बंद हो गया था। लेकिन उसमें जो काम करने वाले एक्टर थे उनको एकता कपूर ने 1 साल से पैसे ही नहीं दिए। अब पंकज भाटिया ने एक वीडियो रिलीज किया है और उसमें कहा है कि एकता मैडम आप पिछले 1 साल से हमारे पैसे नहीं दे रही हो तो हम क्या करें, कहां जाए, हम अपना रेंट कैसे पे करें, हम खाना कैसे खाए, हम अपनी जिंदगी कैसे चलाए। पंकज भाटिया ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि वो इतना ज्यादा परेशान है आज की तारीख में कि वो ऐसा भी हो सकता है कि कर ले और अगर उसने की तो उसकी जिम्मेदार एकता कपूर ही होगी क्योंकि वो 1 साल से उसका पैसा नहीं दे रही है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है। एकता कपूर के पास करोड़ों रुपए हैं, एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा है, एकता कपूर का अगर कोई सीरियल बंद हो गया मैं कहता हूं अगर उसमें नुकसान हो भी गया, हालांकि एकता कपूर का नुकसान नहीं होगा, चैनल का नुकसान होगा, लेकिन अगर नुकसान हो भी गया तो भी एकता कपूर को एक्टरों के पैसे देने चाहिए। एक्टर बेचारे गरीब हैं, उन्होंने सीरियल में काम किया है अपनी जिंदगी चलाने के लिए, तो अगर एकता उनका पैसा नहीं दे रही है तो ये बिल्कुल घटिया हरकत है। दोस्तों गमला चोर सांपों का जहर बेचने वाला सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश यादव उर्फ विश यादव का एक बेस्ट फ्रेंड ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है। विश यादव के इस दोस्त का नाम है विकास अहीर। अब सोशल मीडिया पर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ये जो ड्रग्स का धंधा है ये विश यादव का ही तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे ये पूरा खेल विश यादव ही खेल रहा है।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है और मुझे लगता है 2-3 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई ही विश यादव का इस केस से कोई लेना देना है या नहीं। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि मेरा बहुत ही कमाल का गाना मेरे साथिया रिलीज हो चुका है, जिसको मैंने नेपाल में शूट किया था, दुबई में शूट किया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये गाना सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो गया है, यानी कि बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया है। इस गाने को 1 वीक में सिर्फ 2 मिलियन लोगों ने ही देखा है और भाई ये बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है, हकीकत ये है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ यार, देखो गाना अच्छा है, आप लोगों को देखना चाहिए था। दोस्तों ये बात तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि निर्माता पहलाज नीलानी साहब ने गोविंदा के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन अगर आपको याद हो तो गोविंदा हर जगह ये कहता है कि जो इंग्लिश फिल्म अवतार थी वो उसको ऑफर हुई थी, उसने रिजेक्ट कर दी थी और यही वजह है कि वो उस फिल्म का हीरो नहीं बन सका। अब जब एक इंटरव्यू के दौरान पहलाज नीलानी साहब से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गोविंदा एक नंबर का झूठा है, फ्रॉड है। हकीकत यह है कि गोविंदा और मैं एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था अवतार, और जो फिल्म कुछ दिनों की शूटिंग के बाद बंद हो गई थी क्योंकि गोविंदा की हरकतें ऐसी थी कि उस फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू नहीं की जा सकती थी। तो उस साइको गोविंदा के दिमाग में यह बैठ गया है कि उसको इंग्लिश फिल्म अवतार ऑफर हुई थी, उसको ये याद ही नहीं रहा कि वो एक हिंदी फिल्म थी जिसको हम दोनों बना रहे थे। अरे भाई साहब, गोविंदा भाई आपकी तो रेल बनाई हुई है पूरे मीडिया ने, पूरे बॉलीवुड वालों ने, मतलब ये हो क्या रहा है आपके साथ भाई। पहलाज जी ने यह भी कहा कि गोविंदा की इन्हीं बेवकूफियों और अजीब हरकतों की वजह से उसके बच्चों का करियर भी खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। कोई भी बॉलीवुड वाला उसके बच्चों को भी अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार ही नहीं है। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात में सड़क पर सोते हुए गरीबों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब कोई डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बनाता है तो वो बहुत बड़ी हिट हो जाती है। उसकी वजह यह है कि वो डायरेक्टर उस फिल्म को बहुत ही शौक के साथ लिखता है, बहुत ही पैशन के साथ लिखता है। डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म की स्क्रिप्ट के एक एक अल्फाज से वाकिफ होता है, एक एक सीन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होता है। यही वजह है कि उस फिल्म का हर सीन वो बहुत अच्छे से शूट कर पाता है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर है जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए। वो अपनी कहानी को लिखकर घूमते रहे, निर्माताओं से मिलते रहे, लेकिन कोई भी उन को बनाने के लिए तैयारी नहीं था, और जब वो फिल्में बनी तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। और ऐसी ही कुछ फिल्मों का नाम मैं आपको बता देता हूं, ये सारी फिल्में मेरी फेवरेट फिल्में हैं। गुड्डू धनवा की फिल्म ऐलान अक्षय कुमार के साथ, राजकुमार संतोषी साहब की घायल सन्नी देओल के साथ, महेश मांजरेकर की वास्तव संजय दत्त साहब के साथ, करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है एसआरके के साथ, आदि की पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एसआरके के साथ, मंसूर साहब की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक आमिर खान के साथ। उस फिल्म को कोई करने को तैयार नहीं था और जब कोई हीरो मिल ही नहीं रहा था तब आमिर खान को उस फिल्म में लिया गया था और तब आमिर खान हीरो बना। जॉन की पहली फिल्म सरफरोश आमिर खान के साथ, फरहान अख्तर की भी पहली फिल्म आमिर खान के साथ दिल चाहता है, संजय गुप्ता की लाइफ की पहली फिल्म संजय दत्त साहब के साथ आतिश, डायरेक्टर ई निवास की लाइफ की पहली फिल्म शूल, राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, और सूरज बरजात्ता साहब की पहली फिल्म को कौन भूल सकता है मैंने प्यार किया, ब्लॉकबस्टर। तो मैं निर्माताओं और एक्टरों से कहना चाहूंगा कि अगर किसी डायरेक्टर ने एक कहानी लिखी हुई है, वो बहुत सालों से उस कहानी पर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप सुनिए, हो सकता है कि वो बहुत ही कमाल की कहानी हो और हो सकता है कि वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाए, और हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी और उत्तराखंड में कावड़ का सीजन चल रहा है, कावड़ ये जा रहे हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हो रही है। यूपी पुलिस ने एक आदेश पारित किया था और कहा था कि अगर कोई फल भी बेच रहा है तो वो अपनी ठेली पर अपना नाम लिख करके लगाए, दुनिया को बताए कि वो हिंदू है या मुसलमान है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि किसी को भी अपनी ठेली पर, अपनी दुकान पर अपना नाम लिखकर यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसका धर्म क्या है, हिंदू है या मुसलमान है। इसी कंट्रोवर्सी पर बयान देते हुए काणे भांड रामदेव ने भी ये कहा है कि अगर मैं अपना नाम रामदेव बता सकता हूं तो फिर किसी मुस्लिम को अपना नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है। भाई अगर कोई अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, तो वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको अपना नाम बताना चाहिए। अब मैं इस भांड रामदेव से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने आपकी बात मान ली, बिल्कुल करेक्ट है,
सबको अपना सही नाम बताना चाहिए, लेकिन फिर तू अपना असली नाम क्यों नहीं बताता? फिर तो तुझे भी दुनिया को बताना चाहिए कि तेरा नाम रामकिशन है, तेरा नाम बाबा रामदेव नहीं है। तू जो ये अपने घटिया प्रोडक्ट बेचता है, लोगों को लूटता है, इनको रामदेव के नाम से मत बेच, इनको रामकिशन के नाम से बेच। सुप्रीम कोर्ट ने तुझसे कान पकड़वा कर माफी मंगवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तू 15 डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहा है, दुनिया को लूट रहा है, दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। तो पहली बात तो ये कि तू ईमानदारी पर लेक्चर दे ही नहीं सकता, तेरा हक ही नहीं बनता ईमानदारी पर कुछ भी कहने का। लेकिन अगर नाम पर बात आती है तो फिर तुझे अपना असली नाम बताना चाहिए कि तू भांड रामदेव नहीं है, तू भांड रामकिशन है। दोस्तों, ओटीटी बिग बॉस चल रहा है, उसमें अरमान मलिक है अपनी वाइफ के साथ, और रोजाना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। अब पब्लिक और मीडिया का कहना यह है कि अरमान ने घर में बहुत ही गलत काम किया है। उसने रात में अपने बेड में अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था, यानी कि उसने कुछ मौज मस्ती की है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि मैं अरमान मलिक का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मैं मीडिया वालों से और पब्लिक से यह कहना चाहता हूं कि भाई साहब, वो दोनों शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ है, वो कुछ भी करे, आपको क्यों देखना है और आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने देखा है, शौक से देखा है ना, तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम है भाई? मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ सालों पहले बिग बॉस के घर में ही एक और अरमान था, और अजय देवगन की साली तनिषा मुखर्जी भी थी, और उन दोनों ने भी रात को बेड में वही सब कुछ किया था जो अरमान ने अपनी वाइफ के साथ किया है, जबकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे। तो जब उन्होंने ये सब किया था तो आप बिल्कुल खामोश थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अब जब अरमान अपनी बीवी के साथ कुछ कर रहा है तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों है भाई? दोस्तों, आप में से बहुत लोग इकरा हसन को जानते हैं, जो यूपी में कैराना सीट से एमपी बनी है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि बॉलीवुड का सबसे बेस्ट एक्टर एसआरके ही है, वो सबसे ज्यादा एसआरके को ही पसंद करती है। जब इकरा से ये पूछा गया कि क्या फ्यूचर में कोई और भी एसआरके की तरह फेमस हो सकता है, तो इकरा ने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है, एसआरके जैसा कोई दूसरा सुपरस्टार पैदा हो ही नहीं सकता। सो नो वन लाइक शाहरुख खान, नो वन लाइक शाहरुख खान, एंड नो वन एवर विल बी, I don't think so. मैं आपको ये बता दूं कि इकरा लंदन में बहुत सालों रही है, वहां से उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली है, और उनका कहना यह है कि जब लंदन में भी हिंदुस्तान की बात होती है तो एसआरके का नाम सबसे पहले आता है। मैं बाहर भी रही हूं, तो जब भी हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है उसके साथ में शाहरुख खान का नाम जरूर आता है, खासकर विदेश में आप कहीं भी चले जाएं। तो इकरा का कहना यह है कि वो बचपन से एसआरके की फैन है और हमेशा उनकी फैन रहेंगी। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग सोनिया बंसल को जानते हैं। ये एक्चुअली बिग बॉस में आई थी और शायद एक दो हफ्ते के बाद ही बाहर हो गई थी। अब इस बेचारी को पैनिक अटैक आया है, ये हॉस्पिटल में भर्ती है। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई इसको पैनिक अटैक क्यों आ गया है? अरे भाई, जो लड़की इतने सालों से बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही हो, कोई फिल्म ना मिल रही हो, फिर बेचारी बिग बॉस में गई हो इस उम्मीद के साथ कि मैं तो बिग बॉस जीत कर आऊंगी, इस उम्मीद के साथ कि अगर मैं बिग बॉस में चली जाऊंगी तो बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाऊंगी, और बिग बॉस में जाने के बाद भी कोई जानता ही नहीं हो, कोई पहचानता ही नहीं हो, तो उस बेचारी को पैनिक अटैक नहीं आएगा तो क्या आएगा, मुझे आप बताओ ना भाई। मेरी पूरी हमदर्दी सोनिया बंसल के साथ है। एक्चुअली जब सोनिया बिग बॉस से बाहर आई तो मैंने उससे कहा था कि यार तू बहुत जल्दी बाहर आ गई है, शायद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि तू बिग बॉस में आई भी थी या नहीं। तो सोनिया ने कहा कि आप जानते ही नहीं हो कमाल, मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी हूं, मुझे कोई नहीं भूलेगा, सबको याद रहेगा कि बिग बॉस में मैं थी और बिग बॉस मेरी ही वजह से चल रहा था। अरे भाई साहब, क्या क्या सोचते हैं ये स्ट्रगलर, मेरी समझ से बाहर की बात है। आप सभी जानते हैं आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव को, आमिर और किरण ने लव मैरिज की थी, दोनों को बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। हकीकत यह है कि किरण राव ने आमिर को फंसाया था। किरण राव को अच्छी तरह पता था कि आमिर खान से अगर शादी करूंगी तो डिवोर्स तो पक्का है, और जब भी डिवोर्स होगा 500-700 करोड़ रुपए मिली जाएंगे। तो अब किरण राव ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरा डिवोर्स हुआ है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अरे मैडम जी, आप खुश क्यों नहीं होंगे? बैठे बिठाए 500-600 करोड़ रुपए आपको मिल गए और ऊपर से फ्री लाइफ, अब कहीं भी घूमो, कहीं भी ऐश करो, किसी के साथ कुछ भी करो, तो जाहिर सी बात है आप तो खुशी होंगे, और क्या होंगे, आप दुखी क्यों होंगे? दोस्तों, फाइनली भूषण कुमार साहब कामयाब हो गए।
भूषण कुमार साहब की जो 10-15 फिल्में बनकर पड़ी हुई थी पिछले 3-4 सालों से, जो रिलीज नहीं हो रही थी, भूषण कुमार साहब ने वो सारी फिल्में जियो को बेच दी हैं। जियो से कहा कि देखो भाई आप ये रखो, मेरे गले से निकालो अपने गले में डालो। भूषण भाई कमाल की गेम खेली है, मजा आ गया भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है, लोगों को ऐसा लग रहा था कि भूषण कुमार की ये फिल्में कभी नहीं बिकेंगी और भूषण कुमार के 200-300 करोड़ रुपए वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन भूषण साहब ने ऐसा होने नहीं दिया। भूषण साहब ने कमाल का चक्कर चलाया और सारी फिल्में जियो को बेच दी। जिस दिन फिल्म बैड न्यूज रिलीज हुई थी और मैंने इस फिल्म का रिव्यू किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं मेरा रिव्यू तो सही नहीं है, मेरा रिव्यू तो गलत है, ये फिल्म ऐसी नहीं वैसी है, मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे वो कहना चाहिए था। मैं आप लोगों को यह बता दूं कि 90% लोगों ने मेरे रिव्यू को पसंद किया है। कितना? 90%। तो अगर 90% मेरा रिव्यू पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मेरा रिव्यू 100% करेक्ट है। दुनिया में ऐसी कोई फिल्म नहीं है, ऐसा कोई गाना नहीं है, ऐसा कोई रिव्यू नहीं है जिसको 100% लोग पसंद करेंगे। तुम चैन हो, तुम ही दर्द हो। दोस्तों ये तो मैंने मान लिया कि भाई ठीक है मेरा ये गाना फ्लॉप हो गया है, लेकिन इस गाने पर जो नीचे कमेंट्स हैं उनको पढ़कर मजा आ गया, इस गाने के जो रिव्यूज हैं उनको देखकर मजा आ गया, मुझे पता चला कि मैं कितना फेमस हूं और लोग मेरे वीडियोस कितने शौक से देखते हैं, लोगों को मेरे सारे डायलॉग्स याद हैं। कमेंट्स में भी और रिव्यूज में भी लोगों ने मेरे ही डायलॉग्स यूज किए हैं। लोगों ने कहा है कि भाई साहब आपके इस गाने को आपका ड्राइवर नाई धोबी कसाई भी नहीं देखने वाला। लोगों ने कहा है कि भाई साहब आपका ये गाना 2 रुपीज गाना है। लोगों ने कहा है कि भाई साहब आपका वजन 50 किलो है, नन्ने नन्ने पैर है, नन्ने नन्ने हाथ है। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने वीडियो में जितने भी डायलॉग्स बोलता हूँ सबने मेरे ही डायलॉग्स यूज करके मेरे गाने का रिव्यू किया है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आप लोगों को मेरे डायलॉग्स इतने पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।